हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद राहुल पर। दोस्तों, ये एक नया वीडियो मैं बना रहा हूं। अच्छा, ये फिर से लगी हुई है लेकिन अभी ऑपरेट नहीं हो रही है। मैं इसके बारे में वीडियो बाद में बनाऊंगा। अभी मैं आज पूरा का पूरा डेडिकेटेड कर रहा हूं आज का वीडियो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट पर। ये है हमारा SM ड्यूटी रूम, मतलब सिग्नल वाले का, सिग्नल एंड टेलीकॉम, तो टेलीकॉम का अलग है। तो मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। ये है हमारा ऑफिस, ये सब फील वगैरह करना पड़ता है भाई, गवर्नमेंट का ऐसा ही ऑफिस होता है। तो ये बेसिकली है, ये इधर अंदर बाथरूम, और ये है सिग्नल वाले का प्लेस, प्रतिज्ञा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि गलती या भूल से भी कोई दुर्घटना नहीं होने दूंगा या दूंगी। मैं यह भी सुनिश्चित करूँगा कि फेल्यूअर चाहे कितनी हो, चाहे कितनी लंबी हो, पर शॉर्टकट कभी ना हो। और ये हमारे स्टेशन पे क्या क्या है, क्लास ऑफ स्टेशन, ये सब। और ये सेफ्टी कविता, अगर आप SNT डिपार्टमेंट में आओगे तो आपको ये रटना पड़ेगा। नियम नहीं है, शत्रु हमारे। आप पॉज करके वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छा, ब्लड आ रहा था। और ये है की बॉक्स, इसी में सारे चाबी रहते हैं, लाइक IPS रूम वगैरह का। तो अभी हम आपको IPS रूम भी दिखाएंगे, और स्टोर रूम का तो काम नहीं है लेकिन ले लेता हूँ, और DG रूम का भी। बाकी गेट नंबर ये सब का वीडियो मैं बाद में कभी बनाऊंगा अभी। तो ये हम लोग IPS रूम में आ रहे हैं। ये IPS है, ये एक्चुअली मैंने आपको पहले के वीडियो में भी दिखाया था, लेकिन इस बार मैं अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा। देखो, ये होता है SMPS IPS बेस्ड FRBC पैनल। तो ये सिर्फ सिग्नल डिपार्टमेंट में जो आएंगे, जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, नेक्स्ट वैकेंसी जो भी टेक्नीशियन की और ALP की आएगी, उसी के साथ आएगा। तो आपको यही बेसिकली काम करना पड़ेगा। ये स्पेयर है, ये आउटपुट मॉनिटरिंग है, मतलब टोटल जितने स्टेशन के काम होते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो भी सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, ऑपरेटिंग वाले सिर्फ आपके किए हुए काम पे ऑपरेट करते हैं, काम बाकी सारे आप ही करेंगे। तो ये है SMPS IPS AC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। मैंने उसमें भी बताया था, जैसे स्टेशन पे बहुत टाइप के AC पैनल होते हैं, कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितने करंट आ रहा है 1.2 एम्पियर का। तो जैसे कोई कहीं कहीं 110 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है, कहीं कहीं 220 की चाहिए होती है, कहीं AC चाहिए होती है। तो आप देखो, ये सिग्नल का है, ये 600 मीटर ए केबिन का, ये रगौल नेक्स्ट स्टेशन है, यहाँ से JCB है, जमुना है। तो इस टाइप से ये आपको इन्वर्टर है, ये भी इन्वर्टर है, ये AVR ट्रैक मशीन है। तो बेसिकली आपको इसका रीडिंग लेना पड़ता है। आप ऐसे रीडिंग लोगे, इसमें रीडिंग ऐसे रीडिंग दिया जाता है, यहाँ पे आपको शो करेगा। लाइक देखो, जैसे मैंने अब ये डाला तो यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएट किया। लाइक इसमें डालोगे तो अलग आएगा। तो सिमिलरली ऐसे ही आपको, अच्छा सॉरी, ये देखो यहाँ स्पेयर लिखा हुआ है, ये है। तो इसमें आपको 119.7 वोल्ट, तो यही आपको रीडिंग मेंटेन करना पड़ता है। तो ये AC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, इसमें जितने भी तरह की AC की सप्लाई चाहिए वो इसी से जाएगा। अब ये है वो DC पैनल, IPS DC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, इसमें भी वही है। देखो, आपको रीडिंग लेना होगा, तो रीडिंग लेने के लिए इस प्लग को आप जहाँ लगाओगे, जैसे देखो 24 से 32 वोल्ट है, तो आप इसमें ऐसे लगाओ तो आपका रीडिंग यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो 37 वोल्ट है, चूँकि उससे 150% तक ज़्यादा तक रखा जा सकता है, लेकिन आपका रीडिंग यही बताएगा, प्लस माइनस शायद 11 वोल्ट तक दिखा जाता है। सिमिलरली ये 32 वोल्ट है, वही दिखाएगा आपको। तो देखो कितना वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है। आपको किसी भी टाइप का स्टेशन पे कोई भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग वोल्टेज चाहिए होता है। जैसे आप यहाँ देखो 3 से 6 वोल्ट है, ये भी 3 से 6, ये 24 से 40 वोल्ट है 5 एम्पियर, ये 3 से 6 0.1 एम्पियर है। तो इसी तरह से यहाँ 2 से 12 वोल्ट 5 एम्पियर। तो ये जो है सब पूरा का पूरा पैनल बनाया हुआ है, ताकि रेलवे को जितना भी DC वोल्टेज की ज़रूरत पड़े
वो सारे वोल्टेज की सप्लाई इसी से मिल जाए, डीसी वाला। एसी के लिए वो था और ये दोनों का कंबाइंडली उसमें उसमें रीडिंग आ जाता है कितना वोल्ट कहाँ सप्लाई क्या हो रहा है। तो ये इसके बारे में था। हाँ, ये बीपीएससी है जो कि नया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वाला नहीं, ये सिंपल स्टेशन के काम को आसान करने के लिए, ये मेगनिंग वगैरह करने में अब काम वहाँ करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे इंसुलेशन रेसिस्टेंस वगैरह पता चल जाता है। ये हमें टाइम टू टाइम रीसेट करना होता है, जैसे काम आसान हो गया ये रीसेट, जैसे रेट चल रहा है ये फेलियर का निशानी होता है, ये काम हो गया। इसमें चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4 ये सब काम होगा। जब आप डिपार्टमेंट में आओगे तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। पूरा का पूरा रेलवे जो होता है वही केबल का काम चलते रहता है, इसमें केबल पे ही काम करता है। आपको मैं ये खोल के भी दिखा सकता हूँ, ये देखो अंदर का मशीन। तो बीइंग ESM, मतलब आप टेक्नीशियन में भी जाते हो, JEE में भी आओगे तो आपको यही काम करना पड़ेगा। एक्चुअली ये काम JEE का ही है, बट JEE तो हर एक स्टेशन पे होते नहीं है, तो आपको टेक्नीशियन को ही काम करना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे मशीन भरे पड़े हैं भैया, वो आपको ऑपरेट आप ही को करना है ये सब टोटल का टोटल। ये हो गया फिर से वही, IPSM छोड़ने से पहले सभी विद्युत स्विच बंद करना सुनिश्चित करें। एक्चुअली ब्लॉगिंग टाइप पे बना रहा हूँ, ब्लॉग है नहीं, मुझे ब्लॉगिंग नहीं करने आता। पिछली बार मैंने दिखाया था कि सोलर पैनल का यही है, देखो सोलर चार्ज कंट्रोलर, ऊपर में सोलर लगा हुआ है, यहाँ से ये पाइप से कनेक्शन आ रही है। रूम का स्थिति थोड़ा जर्जर है, बट क्या है ना कि हेल्पर जो होता है, जो हम लोग को हेल्पर मिलता है टेक्नीशियन को, दो हेल्पर मिलते हैं, तो वो अभी गायब है, वो अभी है नहीं, कहीं और चला गया है ड्यूटी में। ये रिजर्व बैटरी है, ये 5 सेट का रिजर्व है, ये चार्ज होते रहेगा अपना, और ये नया नया सेल का है। ये हाइड्रोमीटर है बैटरी का, आप इसी से ग्रेविटी नापते हो। जैसे आप इसको ओपन करोगे, इसको ओपन करके और इसमें डाल के फिर ऐसे ग्रेविटी नापा जाता है, जो कि आपके घर में जो इन्वर्टर लगा पड़ा है उसमें भी ऐसे ही नापा जाता है। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाहता मैं, बस मैं ओवरऑल व्यू देना चाहता था कि SNT का काम क्या होता है। अच्छा, ये सब फिर बैटरी है, एक्चुअली ये बैटरी रूम ही है। तो 55 सेल का ये कॉम्बिनेशन है और 110 वोल्ट की सप्लाई होती है वहाँ पे, 107 108 की सप्लाई चाहिए होती है, 2-3 प्लस माइनस 3 का कॉम्बिनेशन लिया जाता है। सब सीरीज में लगे होते हैं, मतलब वहाँ से पॉजिटिव स्टार्ट होगा, सो ऐसे मूव करते करते वहाँ से फिर ऐसे मूव करते करते यहाँ से फिर निगेटिव आ गया, और ये निगेटिव पॉजिटिव की सप्लाई फिर यहाँ से अंदर गई और अंदर जाने के बाद ये इधर निकली और इसमें से फिर सप्लाई गई, वही केबिल है, यहाँ से गई इसमें और फिर आपको सब। अरे यार, तो फिर इसमें गई अपना, फिर AC डिस्ट्रीब्यूशन और DC डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब। एक चीज़ और दोस्तों, क्या होता है कि रेलवे में हमेशा 3 से 4 सप्लाई ज़रूर होता है, लाइक सोलर पैनल का सप्लाई हो गया, एक ये बैटरी का सप्लाई हो गया, एक लोकल वाला जो सप्लाई होता है, जैसे जो भी लाइट हमारे घर में आती है तो उसकी सप्लाई होती है 3 सप्लाई, और एक डीजी रूम का होता है, जो कि मैं अब आप लोग को वहीं का दिखाता हूँ। मैंने चाबी कहाँ रखा, डीजी रूम का, ओके। सो ये रहा, अब हम लोग डीजी रूम की ओर चलते हैं। ये एक स्पेयर में रखा पड़ा है, ये आप देखते होंगे जब फाटक, जो रेलवे फाटक होता है जहाँ आपकी ऊपर खुलता है और बंद होता है गेट, उसी का एक टुकड़ा रखा पड़ा है, अगर कभी भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो हमें चेंज करना पड़ता है, पड़ना है। ये रिले रूम है, एक्चुअली में ये बहुत ही सेंसिटिव रूम होता है, इसको खोला नहीं जाता है बहुत, जैसे 2 लॉक लगा हुआ है, एक लॉक हम लोग के पास चाबी रहता है, एक लॉक ऑपरेटिंग वाले के पास रहता है, OPT ऑपरेटिंग स्टेशन मास्टर के पास, तो वो दोनों के कंसेंट से होता है। और इसका हमें झांसी डिवीज़न, मतलब जो भी डिवीज़न होता है वहाँ से हमें परमिशन लेना पड़ता है। तो इसका ऐसा ही मैं एक फ़ोटो अपलोड कर दूँगा, इसमें आप देख लीजिएगा। रिले रूम में मतलब पूरा जो ट्रेन का कंट्रोल होता है ना,
वो सब इसी रूम में होता है, इसी रूम में है रिले उले का। ये हमारा कचड़ा रूम है, देखो पानी भरा पड़ा है सब यार, कचड़ा रूम है। कचड़ा रूम बोले तो स्टोर रूम। और ये है डीजी रूम, अब यार उठाना पड़ेगा। खुल तो गई बट उठ नहीं पा रही भाई। अब लाइट लो, मैं वीडियो कट करके दूसरे वाले से डाल दूंगा।